सो मनी एंड बैंकिंग बेटा हमें पढ़ना है, ठीक है? ध्यान रहे ये चैप्टर आपके दो पोर्शन में डिवाइड होगा। दो पोर्शन में कैसे डिवाइड होगा कि एक चैप्टर बेटा आपका मनी का है और दूसरा चैप्टर आपका ये बैंकिंग में आएगा। और बैंकिंग के अंदर हमको दो बैंक्स के बारे में पढ़ना है बेटा। एक हम बात करेंगे बच्चों कॉमर्शियल बैंक के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। अब अगर हम इस चैप्टर की वेटेज देखें तो इस चैप्टर की वेटेज बेटा अराउंड 6 to 8 मार्क्स की होती है, ठीक है? जिसमें से अगर हम मनी की बात करें बेटा तो मनी से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई होता है बेटा तो वो होता है मनी सप्लाई। अगर इसका हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो वो क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। अगर हम कॉमर्शियल बैंक का देखें बेटा तो कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड टॉपिक में क्या क्या हो सकता है जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है बेटा वो होता है सबसे ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने का, दैट इज मनी क्रिएशन पॉलिसी बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है? सेंट्रल बैंक की बात करें बेटा तो सेंट्रल बैंक का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, वो होता है बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होते हैं। अब हमें ना इस पूरे चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, दो हम करेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है? तो अगर आप इसका ये चार्ट देखो बेटा तो ये चार्ट वही है जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड कंपैरेटिवली मनी आज खत्म करके बैंकिंग का कुछ पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। तो जब हम मनी स्टार्ट करते हैं बेटा तो सबसे पहले आपको मनी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज मनी। तो सेकंड वाली डेफिनेशन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। अब देखो सेकंड वाली डेफिनेशन में ऐसा लिखा है बेटा कि मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट अ सेम टाइम It acts as a measure or store of value and standard of deferred payment. अब point ये कि अगर आप लोग को लगे कि सर बड़े भारी भरकम मतलब words हैं इसमें, बड़े भारी भरकम sentences हैं, कैसे learn करेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, इसको learn करना हमारे लिए सबसे simple part होगा, ठीक है? उसका reason है, ठीक है? उसका reason ये बेटा, क्योंकि हमारे लिए ये topic जो है as such इतना tough होता नहीं है, ठीक है? अभी बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब हम मनी के फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट? सो देखो ये आपको लग जरूर रहा है कि ये टिपिकल टॉपिक है मतलब लैंग्वेज वाइज, बट एक्चुअल में ये टिपिकल नहीं है बेटा। क्योंकि ये जो भारी भरकम हमने चीजें देखी, सबसे पहली चीज क्या थी, एक सेकेंड, सबसे पहली चीज आपको देखी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? दूसरी चीज आपको देखी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरी चीज देखी आपको स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथी चीज देखी आपको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा ये इसलिए इस लैंग्वेज में क्योंकि यही सारे क्या हैं, मनी के क्या हैं, फंक्शंस हैं। सो इसीलिए ये लैंग्वेज आपको ऐसे दिख रही है, टफ नहीं है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। लेकिन अगर हम सपोज करो मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल टर्म में अगर हमें मनी को समझना हो बेटा, सो मनी एक ऐसी चीज है बेटा जिससे हम किसी भी टाइप का एक्सचेंज, ठीक है, वो कंप्लीट कर सकते हैं और अपने अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज की डिमांड कर सकते हैं। बात समझ में आई सब बच्चों को? सॉरी दिशा, आपको समझ में आया? क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको समझ में आया? ठीक, ओके। अब आते हैं बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मनी। ध्यान रखना मनी के फंक्शंस तीन पोर्शन में डिवाइड होंगे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन, जिसमें हमें स्पेशल फोकस रखना होगा बेटा प्राइमरी फंक्शन पे एंड सेकेंडरी फंक्शन पे। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा कि मनी एक्ट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या हमने ये पॉइंट अभी अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था? ओके। दूसरा पॉइंट बेटा प्राइमरी फंक्शन का क्या है, मनी एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्या हमने ये भी पॉइंट डेफिनेशन में पढ़ा था? अब देखना बेटा जैसे जैसे फंक्शंस आते जाएंगे वो आपको डेफिनेशन के टर्म्स में मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मनी एक्ट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर सपोज करो
हमें कुछ भी परचेज करना है, हमें कुछ भी मतलब कंज्यूम करना है, या हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है बेटा, ठीक है, रिगार्डिंग विद कंजप्शन, ठीक है, तो हमारे पास बेटा हमेशा उस प्रोडक्ट को बाय करने का या परचेज करने का एक ही मीडियम होता है, दैट इज मनी। एग्री करते हैं इस बात से? सपोज करो आपको आपको बर्गर खाना है, अगेन कैसे मिलेगा बर्गर, आप पैसे पे करोगे। सपोज करो आपको किसी से कंसल्टेंट से कोई सर्विसेज लेनी है, कैसे मिलेगी, जब आप उसको पे करोगे, मनी पे करोगे। सिमिलरली बेटा अगर सपोज करो आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो वो ट्रैवल का जो फेयर चार्जेस वगैरह होता है वो सारी फैसिलिटीज क्यों मिलेगी, क्योंकि आप पे कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सपोज करो बेटा आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो उस केस में भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा। सो मनी एक्ट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल द एसेंशियल यूटिलिटीज या ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ कंजम्पशन। क्लियर मैं सारे? ठीक है, फाइन। सेकेंड पॉइंट बेटा, मनी एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब एक बात बताओ बेटा, सपोज करो आपको मूवी देखने जाना है, तो क्या आप कोई भी अमाउंट पे कर दोगे या एक सेलेक्टेड टिकट की प्राइस पे करोगे? अगर आपको मूवी देखना है, कोई भी एक सपोज करो थिएटर में जाके मूवी देखना है, ठीक है, तो मूवी देखने के लिए लेट्स से टिकट्स की अलग अलग प्राइसेस होती हैं, तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वही प्राइस पे करोगे जितना आप चाह रहे हो? ओके, चलो दूसरा पॉइंट, लेट सपोज बेटा आप सेलर हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो जी बेटा एक मैगी 10 रुपए की आती है, ठीक है, मतलब 10 रुपीज उसकी प्राइस है, आपने 10 पैकेट्स मैगी के सेल किए या परचेज किए, तो बेटा एक बात बताओ 10 पैकेट्स की टोटल वैल्यू कितनी हुई? 100 रुपीज। सो मतलब क्या है बेटा, आप मनी को मेजर भी कर सकते हो हर एक एस्पेक्ट में, मनी की वैल्यू को मतलब। पॉइंट समझे सारे बच्चे? सिंपल चीज होती है बेटा। सो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, परचेज करते हो, सप्लाई करते हो, सेल करते हो, हर एक चीज की बेटा एक कॉमन वैल्यू होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। लेट्स से आप सपोज करो मार्केट में लेट्स से वेजिटेबल्स खरीदने जाओ, तो वहां पे भी बेटा हर एक प्रोडक्ट की एक कॉमन वैल्यू होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई सब बच्चों के? भाई सारे? ठीक है, अब देखो बेटा सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा जहां पर आप मनी को यूज कर सकते हो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी। आप मनी को कैसे यूज कर सकते हो बेटा? फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने ये चीज सुना है बेटा कि जैसे कई सारे लोग बेटे अपनी मनी को बैंक में क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर बेटा कई सारे लोग मनी का क्या करते हैं बेटा, उन्होंने लेट से कोई इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी जब कंप्लीट होगी तो उनके पास एक लमसम अमाउंट आता है। सुना है इस बारे में? एंड अगर आप ध्यान से देखो तो लेट से अगर आपने बेटा कोई सेविंग्स कर रखी है, कहीं फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, कुछ इंश्योरेंस ले रखा है, तो इन सारी चीजों को आप यूज कब करोगे? फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। एक छोटा सा और एग्जांपल सपोज करो बेटा, ठीक है, आपके पेरेंट हैं, है ना, आपके पेरेंट ने क्या किया भाई, आपको अभी 12th के बाद आगे हो सकता हो फॉरेन पढ़ना हो या एक बहुत बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ना हो, लेट से वहां पे अच्छा खासा कॉस्ट आता हो, है ना, तो क्या ऐसा होगा बेटा कि आपके पेरेंट्स ने कई सारा अमाउंट सेव करके रखा होगा कि जब हमारा बच्चा फ्यूचर में जब पढ़ने के लिए मतलब बाहर पढ़ने के लिए जाएगा और हमें उस पे वो एक्सपेंस रखने होंगे, तो क्या उन्होंने वो पैसा सेव करके रखा होगा उस चीज के लिए? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स ने क्या कर रखा है बेटा, मनी को सेव करके रखा है आने वाले फ्यूचर टाइम में पेमेंट्स के लिए। बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ मनी का एक और फंक्शन होता है जो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर कंसीडर्ड होता है बेटा,
दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. देन आता बेटा मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बीइंग. क्या मनी की वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं? क्या मनी की वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं. कई सारे तरीके होते हैं बेटा. सपोज करो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली बेटा मनी की, और उससे क्या किया आपने एक स्टोरेज रख लिया, मतलब आपने उसको संभाल के रख लिया. सपोज करो आपने गोल्ड ले लिया, तो अगेन आपने मनी को स्टोर करके रख लिया. या सपोज करो बेटा आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया पैसा, लेट्स से किसी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में, अगेन आपने मनी को क्या कर दिया बेटा, स्टोर करके रख लिया. बात समझ में आई? ठीक है. एंड जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो. पॉइंट समझे? सारे दिशा आपको समझ में आ रहा है? तो बच्चा रिप्लाई करने का ना. चलो उमर तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बोलेगा कौन, मैं हैं? ओके नेक्स्ट फंक्शन बेटा, मनी एक्ट एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. क्या बेटा हम मनी की वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? ठीक है, तो ये भी एक मनी का फंक्शन होता है जो कि सेकेंडरी फंक्शन में आता है. तो मतलब ये बेटा कि प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो पॉइंट्स आएंगे, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर तीन पॉइंट्स आएंगे, स्टोर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. और अब अगर ये पांचों पॉइंट्स आपको रिकॉल हो गए बेटा, तो अब मनी की डेफिनेशन आपके लिए काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि मनी अब क्या है, इन्हीं फंक्शंस का पूरा एक डिफाइन है. मनी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. पॉइंट समझे सारे बच्चे डेफिनेशन का? ओके अब बेटा मनी के कंटिंजेंट फंक्शन है, हालांकि ये आएगा नहीं बट स्टिल एक बार हम देख लेते हैं. बेटा मनी को हम यूज करते हैं क्रेडिट्स के लिए. आप देखते हो सपोज करो अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हम मनी के फॉर्म में लोन ले सकते हैं. सिमिलरली मनी को हम लिक्विडिटी के लिए भी यूज करते हैं, सो दैट फ्री फ्लो ऑफ कैश का हो सके, मतलब कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इजिली हो सके, उसके लिए भी मनी को यूज करते हैं. देन बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस कितनी डिसाइड होती है बेटा वो भी हम मनी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. देन प्रॉफिट कितना होना चाहिए प्रोड्यूसर को वो भी डिपेंड करेगा मनी के बेसिस पे. सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कितनी मिल रही है, तो कई बार ऐसा होता है ना कंज्यूमर क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कोई मूवी देख करके आए, वो बोलते हैं पैसा वसूल है, या फिर वो बोलेंगे यार पैसे वेस्ट हो गए. तो इसका मतलब क्या है, वहां पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी अपनी मनी के टर्म्स में कर रहा है, और इनकम को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मनी के फॉर्म में. So this is why all these functions are known as contingent function, which is not too much important for your courses. Clear? ठीक है? So major focus हमको primary and secondary function पे करना था. क्या सारे बच्चों को primary and secondary function अच्छे से clear है? Okay. Now अब आता है money chapter का सबसे important point. That is money supply. ध्यान रखना ये एक important topic है, और इसी के basis पे हमको एक money supply के components पढ़ने होंगे, वो भी important है. और अगर money से ज्यादातर cases में जो questions आते हैं बेटा वो money supply से ही आते हैं. ठीक है, तो अभी जरा focus करके सारे बच्चे देखेंगे. सबसे पहले चीज, money supply का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले money supply की एक बार language पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ. क्या लिखा है, it refers to the टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक. मतलब टोटल मनी पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी है जो पर्सन के पास होती है या पर्सन के कंट्रोल में होती है. अब इसमें क्या क्या चीजें होती है वो समझना जरा. मान लो बेटा मैं बोलता हूं कि मेरे अकाउंट में लेट से 50,000 रुपीज है. ठीक है, एंड मेरे पास मेरे वॉलेट में लेट से 5,000 रुपीज है. तो बेटा मेरी टोटल मनी सप्लाई कितनी हुई,
टोटल मनी सप्लाई मेरी बेटा 55,000 होगी। पता है कैसे, ध्यान से समझो, जो 5,000 रुपीज मेरे वॉलेट में, उसको भी मैं किसी भी टाइम परचेज या कंजप्शन के लिए यूज कर सकता हूँ, एंड जो अमाउंट बेटा मेरे बैंक में भी है ना, मैं उसको भी कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ परचेज करना है, मैंने पेटीएम या फिर कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज कर लिया, मुझे किसी को ट्रांसफर करना है, मैंने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया, और मुझे कुछ सेव करके रखना है तो भी मैं क्या करूंगा बेटा, उस मनी से सेव करके रख सकता हूँ। बात समझ में आई दिशा, पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ठीक, तो मतलब क्या है, एक बार वापस से लैंग्वेज देखते हैं बेटा। लैंग्वेज क्या लिखा था कि इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल 5,000 एंड 50,000 टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। क्लियर एवरीवन? ओके, सो मतलब ये बेटा कि मनी सप्लाई होता है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा होता है बेटा, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्कुलेट हो रहा होता है। कैसे भाई, सपोज करो आपने मुझे कुछ पेमेंट की, मैंने किसी और को पेमेंट की, सामने वाले ने किसी और को पेमेंट की, एंड देन वो वाला पर्सन आपको आकर के अगर पे कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो मनी ऐसे ही सर्कुलेट होता है बेटा। एक छोटा सा एग्जांपल समझना, सपोज करो आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, तो वो अर्न करते होंगे, जिस अर्निंग में से वो कुछ पैसा मुझे देते होंगे इन टर्म्स ऑफ फीस। अब मैं सपोज करो जो पैसा मेरे पास आया बेटा, ठीक है, एज एन इनकम की फॉर्म में, मैं क्या करूंगा, मुझे सपोज करो गारमेंट्स खरीदने, मैं आपके पेरेंट्स के बिजनेस मतलब जो मतलब स्टोर है या मॉल है वहां से गया खरीद लाया, तो वही पैसा बेटा जो आपके पेरेंट्स ने मुझे दिया था वही पैसा मेरे थ्रू उनके पास भी पहुंच जाएगा। पॉइंट समझ में आया सब बच्चों को? सारे बच्चों को? सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज बेटा मनी सप्लाई। जो मनी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई यानी सर्कुलेट हो रहा है। बात समझ में आई सब बच्चों को? लैंग्वेज क्लियर है मनी सप्लाई का? ओके, अब पॉइंट अब आएगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ध्यान रहे बेटा, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब M1 मतलब मनी सप्लाई इज इक्वल टू C मतलब करेंसी विद द पब्लिक प्लस DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक प्लस OD दैट मींस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब इसका मतलब समझना बेटा, सपोज करो जो पैसा मेरे, जैसे मान लो मैंने बोला 5,000 रुपीस मेरे वॉलेट में थे, सो दैट इज नोन एज करेंसी विद पब्लिक, मतलब कितनी करेंसी यानी कितना मनी मेरे पास अभी अवेलेबल है। डीडी मतलब मैंने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट किए थे, 50,000, सो दैट इज नोन एज डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। एंड ध्यान रखना बेटा एक रूल होता है, अभी हम आने वाले चैप्टर में जब हम मनी क्रिएशन पढ़ेंगे तो वहां बेटर समझ में आएगा। हमारा जो पैसा बेटा कमर्शियल बैंक पे जाता है, कमर्शियल बैंक उसका एक पोर्शन, एक सर्टेन फिक्स्ड पोर्शन जो होता है वो RBI में डिपॉजिट कर देती है, तो जो पैसा RBI में गया वो भी हमारा ही पैसा होता है बेटा, सो उसी को हम बोलते हैं OD, दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद RBI, और यही तीन कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के अंदर। बात समझे सारे बच्चे? भाई मैंने सबसे पूछा है। ओके, तो मतलब बेटा अगर हमें मनी सप्लाई के मतलब वो मतलब कंपोनेंट्स पढ़ने, ध्यान रखना मनी सप्लाई की लैंग्वेज अगर पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय मनी सप्लाई, तो ये जो ऊपर हाइलाइटेड पोर्शन थे बेटा हम ये यूज करेंगे लैंग्वेज के लिए। बट अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तब आप क्या बोलोगे बेटा, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। फिर उसको इलेबोरेट कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे कि सी मीन्स करेंसी विद द पब्लिक, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक, सॉरी डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक, वो भी कौन सा बैंक, कॉमर्शियल बैंक, एंड देन OD का मतलब होता है बेटा अदर डिपॉजिट्स, जो कि ये अदर डिपॉजिट्स किसके पास रहता है, RBI के पास रहता है। पॉइंट समझे सारे बच्चे? पॉइंट समझे ये वाला? ओके, अब एक पॉइंट और है बेटा,
ध्यान रहे, नीचे आपको देख रहा होगा M2, M3, M4 जो कि रेड कलर में मेंशन है। पॉइंट ये बेटा कि एक टाइम होता था जब ये आपके सिलेबस का पार्ट होता था, बट ये सिंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, तो इसलिए हम इसको नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि बेटा अब ना M2, M3, M4 मार्केट में जल्दी रन नहीं होते, सारा का सारा कितना भी सप्लाई हो रहा है वो है M1 के थ्रू कलेक्ट, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाई अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ M1 कंसीडर किया जाएगा। बात समझे सारे बच्चे? भाई सारे बच्चे चल, यहां तक सारे बच्चे क्लियर हो गए? देखो अब हमारा जाकर के बेटा मनी वाला टॉपिक क्लियर हो गया। मैंने आपसे बोला था ना दो चैप्टर्स हैं, एक मनी होता है एक बैंकिंग होता है। मनी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें क्या क्या चीजें हैं, मनी की डेफिनेशन, मनी के फंक्शन, जिसके अंदर दो फंक्शन पढ़ने थे आपको, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो कौन कौन से फंक्शन होते हैं बेटा जी, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन होते हैं, पहला स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कंटिंजेंट फंक्शन हमें पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक जो इसका इंपॉर्टेंट होता है मनी से रिलेटेड, दैट इज मनी सप्लाई एंड इट्स कॉम्पोनेंट। तो हमने मनी सप्लाई पढ़ा और उसके कॉम्पोनेंट पढ़ लिए। यहां तक सारे बच्चे क्लियर है ना? कॉमर्शियल बैंक ध्यान रखना बेटा पब्लिक का बैंक होता है। पब्लिक का बैंक मतलब पब्लिक के लिए बैंक होता है, मतलब जैसे हम जनरल पब्लिक है बेटा, है ना, हमने अपना अपना अकाउंट बैंक्स में ओपन कर रखा है। तो एक्चुअल में हमने कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है? कॉमर्शियल बैंक में, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, हमने SBI में कर रखा है, उसने कोटक में कर रखा है, उसने यस बैंक में कर रखा है, उसने ICICI में कर रखा है, उसने HDFC में कर रखा है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इन्हीं सारे बैंक्स को हम कौन सा बैंक बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक बेटा? कॉमर्शियल बैंक इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब अगर मान लो ये कॉमर्शियल बैंक है बेटा, तो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेजर दो ही फंक्शन है बेटा, एक तो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना यानी एक्सेप्ट द डिपॉजिट, एंड दूसरा बेटा एडवांस ग्रांटिंग लोन यानी एडवांसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब जनरल कुछ जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड कुछ जनरल पब्लिक को लोन एडवांस करना, और यही मेजर फंक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक का। बात समझे सारे बच्चे? सारे ठीक? ओके ना, अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शंस। अगेन जैसे मनी के भी बेटा तीन फंक्शन होते थे, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक के भी तीन फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड एजेंसी फंक्शन, जहां पर बैंक कॉमर्शियल बैंक एज एन एजेंट यानी एज एन इंटरमीडिएटरी या फिर थर्ड पार्टी के तौर पर वर्क करता है। सिंस एजेंसी फंक्शन अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको बस हम खाली गो थ्रू करेंगे, हालांकि हम फोकस रखेंगे स्पेशली प्राइमरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन भी आपको जल्दी पूछेगा नहीं, बट स्टिल एक बार उसको रीड जरूर करेंगे अच्छे से। तो हमारा मेजर फोकस रहेगा बेटा प्राइमरी फंक्शन पे। शुरू करें, फाइन। अब देखो बेटा प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहली चीज तो ये कि प्राइमरी फंक्शन होता क्या है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है बेटा कि किसी भी एक कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन यानी प्राइमरी यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो अगर आप नोटिस करो तो किसी भी बैंक का मेजर दो ही वर्क होता है बेटा, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड जिन पब्लिक को रिक्वायरमेंट है या फिर जिन मतलब क्या नाम है कंपनीज या इंडिविजुअल पर्सन्स को अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। बात समझ में आई सारे बच्चों? ओके फाइन। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी फंक्शन ऑफ द, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक? सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशंस एंड एडवांसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात समझे सारे बच्चे?
दिशा माइक ऑफ कर लेता, बाकी सारे बच्चे समझे? ओके ना, अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी फंक्शंस की। अभी मैं इसकी लैंग्वेज सिखाता हूं, पहले एक बार फंक्शंस डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। आपको दिख रहा है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जरा इसका मतलब समझना बेटा। इस पॉइंट को समझने के लिए छोटा सा वो बनाता हूं, मैं चार्ट बनाता हूं। करंट अकाउंट क्या होता है ये पता है आप लोगों को? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, एनीवन? राइट राइट, हाँ हाँ शाबाश। हाँ वो बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज पे मनी चार्ज करता है, बहुत है शाबाश। अब देखो बेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सी अगर मान लो मैं अपनी बेसिस पे एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, लेट्स से ये हमारा एक कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक ले लेते हैं। और बेटा ये मैं हो गया हूं। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, मान लो बेटा मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, तो मैंने ना दो अकाउंट इस कॉमर्शियल बैंक से ओपन करा सकता हूं अपने लिए। एक मेरे लिए अकाउंट ओपन होगा बेटा सेविंग, और दूसरा अकाउंट ओपन हो सकता है मेरे लिए बेटा करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, और करंट अकाउंट मैं अपने किस चीज के लिए ओपन करूंगा? बिजनेस के लिए ओपन करूंगा। पहले बताओ सारे बच्चे यहां तक समझे? ओके, दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान से समझना, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट में वर्क कर सकता है? करंट अकाउंट में। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लें आप लोग। पॉइंट ये होता है बेटा कि सपोज करो दो बिजनेस पर्सन हो गए, दो बिजनेस पर्सन हो गए, मान लो ये एक सेलर है और ये एक बायर है। अब सपोज करो बेटा सेलर ने कुछ सप्लाई किया, ठीक है, जिसके लिए बायर बाद में पेमेंट करेगा, तो उसके लिए बायर बेटा एक बिल बनाता है, जो बायर के लिए होती है बेटा बिल्स पेबल, और सेलर के लिए होती है वो बेटा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ध्यान रहे ये जो बिल्स होते हैं बेटा ये बेसिकली चेक के फॉर्मेट की तरह होते हैं। आप सबने चेकबुक देखी है, तो बच्चा लोग जैसा चेकबुक होती है उसी तरीके की बिल बुक होती है। जैसे आप चेक पे अमाउंट किसी को पे कर सकते हो, वैसे बिजनेस पर्सन टू बिजनेस पर्सन बिल्स पे कर सकते हैं। तो बायर के लिए जिसको पे करना है उसके लिए बिल्स पेबल हो जाता है, और जिसको बेटा अमाउंट रिसीव होना उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। तो ये जो सेलर है बेटा जिसके पास बिल रिसीवेबल आया है, ये अपना बिल किसके पास लेकर के जाएगा कैश इन कराने? बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक बेटा जब ड्यू डेट या लेट्स से उससे पहले अगर डिस्काउंटिंग कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं बेटा कि सेलर ने, सॉरी जो बैंक है वो सेलर को इस बिल के थ्रू क्या कर रहा है, अमाउंट दे देगा, और बायर के अमाउंट, बायर के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। मतलब मेरे पास सपोज करो मैं बैंक हूं, आप में से एक सेलर है और एक बायर है। जो सेलर है बेटा उसके पास बिल्स रिसीवेबल था, वो मेरे पास आया, उसने बोला कि सर या तो आप उसको प्रायर टाइम से पहले डिस्काउंट कर दो, या जब भी इसकी मैच्योरिटी कम, मतलब जिस टाइम पे इसका ड्यू डेट आएगा उस टाइम पे आप इसे बैंक में डाल देना। अब इसका मतलब ये बेटा कि मैं क्या करूंगा, जो बायर है उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दूंगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? ओके, ध्यान रखना बेटा इसको सेकेंडरी फंक्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सिर्फ करंट अकाउंट के साथ हो सकता है, एंड करंट अकाउंट उन्हीं का होता है बेटा जिनका बिजनेस का अकाउंट होता है। तो नॉर्मली सारे लोगों का सेविंग्स अकाउंट होता है और कुछ लोगों का बेटा मतलब करंट अकाउंट होता है, तो इसलिए ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है। पहले बताओ यहाँ तक सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे बच्चों उमर क्लियर है, दिशा, सुहानी, अंकित का क्लियर है, प्रत्युष क्लियर है, सिमरन, दिशा का जवाब, दिशा आपको क्लियर है बेटा?
ओके ठीक है, अब हम आते हैं बेटा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। लैंग्वेज से पहले रुको, लैंग्वेज बात, लैंग्वेज से पहले बेटा हम एक बार जरा सेंट्रल बैंक पे आ जाते हैं, रुको। मनी क्रिएशन पॉलिसी नहीं, मनी क्रिएशन पॉलिसी भी समझा नहीं सकता, ठीक है। अब देखो बेटा हमने क्या क्या कर लिया, हमने कॉमर्शियल बैंक के सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो जरा सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक है। सी, अब सबसे पहली चीज, सेंट्रल बैंक का नाम इंडिया में, इंडिया में हाँ, जिसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में सुनना है बेटा वो आप लोग को ये कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ था इंडिया में, अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी लेटेस्ट एक चैप्टर वाइंड अप किया है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या वहां पर जब हमने लिबरलाइजेशन का एक टॉपिक किया था तो वहां पर आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था बेटा, जब हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था तो? अगर आप लोग नोटिस करो बेटा, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1935 में और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ बेटा 1947 में, तो इसीलिए 1947 से 1990 तक आरबीआई एक्ट करता था एज अ रेगुलेटर, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन सब पे कंट्रोल किसका रहता था, आरबीआई का रहता था। एंड वंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जब लिबरलाइजेशन आया बेटा 1991 में, तब आरबीआई ने अपना रोल रेगुलेटर से कैसा चेंज कर लिया था, फैसिलिटेटर, कैसा रोल चेंज किया था, फैसिलिटेटर। पॉइंट समझ में आया, चलो तो एक बार वैसे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये जो मैंने अभी रेगुलेटर फैसिलिटेटर बताया ये इस पॉइंट के लिए नहीं था। सो सेंट्रल बैंक विच इज कॉमनली नोन एज आरबीआई इन इंडिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप कभी भी आरबीआई को अगर डिफाइन करते हो, यानी सेंट्रल बैंक को डिफाइन करते हो, ध्यान रखना क्या रहेगा कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक इज एन, सारे बच्चे बोले जरा, सारे बोलेंगे इस बार, सारे बच्चे बोलेंगे सेंट्रल बैंक इज एन, अब मैं क्यों बोल रहा था उसके पीछे रीजन है बेटा, देखो आप ना चाहो तो बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो, गलत तो नहीं होगा, बट अगर आप ना एक अच्छी लैंग्वेज लिखोगे बेटा तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपके आंसर शीट चेक करता है बेटा, उसको ये लगता है कि बच्चे ने ना अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, एंड उसके बेसिस पे ना एक यू नो असर्टिव नेचर आ जाता है एग्जामिनर के पास कि बच्चे ने अगर अच्छे से डीप स्टडी की है तो यानी उसके आंसर्स अच्छे होंगे तो वो और अच्छा इम्पैक्ट बनेगा आपके लिए, बात समझे। सारे बच्चे ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन व्हिच डायरेक्ट्स यानी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, कंट्रोल, रेगुलेट, सुपरवाइज द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री, यानी सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है बेटा, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आपकी कंट्री का, हु डायरेक्ट यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है द होल मॉनेटरी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, क्लियर। ठीक है, सो जनरली हम सेंट्रल बैंक को इंडिया में बेटा आरबीआई के नाम से जानते हैं, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, ठीक है। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है, अच्छा अब बात करेंगे बेटा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सेंट्रल बैंक के अंदर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कई दफा पूछा गया है एग्जाम में और इसके आने के चांसेस बहुत मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न अब ऐसा नहीं है बेटा कि आपसे 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स में डायरेक्ट ये पूछ दे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अब ऐसा नहीं है बेटा, अब ऐसा होता है बेटा कि आपको ना फंक्शंस का नाम दे देगा कि ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, इसको डिफाइन करो, बात समझे।
तो बेटा आप तो उस केस में ना आपको सारे के सारे फंक्शंस अब लर्न करना जरूरी है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले मतलब आप मान लो 4 मार्क्स का आया, ये 7 मतलब 6 फंक्शंस गिवन है, इनमें से जो आपको 4 की अच्छी लैंग्वेज आती थी वो आप मेंशन करके आ जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होता बेटा, अब पेपर में कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो आपको हर एक फंक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। हम सबसे पहले ना आज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा? इश्यू ऑफ करेंसी एंड नोट्स। तो बेटा सेंट्रल बैंक जो हमारा होता है उसके पास सोल अथॉरिटी होती है। सेंट्रल बैंक के पास क्या होती है? सोल अथॉरिटी होती है टू इश्यू ऑल करेंसी नोट्स इन द कंट्री, एंड उनपे कंट्रोल भी किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है कि हर एक करेंसी की मनी सप्लाई यानी सप्लाई मार्केट में कितनी होनी चाहिए। कभी आपने ये सुना है कि मार्केट में जैसे 2000 रुपीज के अभी नोट्स कम प्रिंट हो रहे हैं या फिर 500 रुपीज के नोट्स कम प्रिंट हो रहे हैं, ऐसा कभी सुनने में आया आप लोगों को? सारे बच्चे ओके। अब पॉइंट क्या आता है कि आरबीआई हैज अ सोल अथॉरिटी, आरबीआई हैज अ सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग ऑफ नोट्स एंड करेंसी। लेकिन बेटा एक ऐसी करेंसी है जिसको आरबीआई इशू नहीं करता, कौन सी है वो करेंसी? एनीथिंग एल्स? ओके चलो एक पॉइंट बताता हूं। क्या आप लोग ने सुना है बेटा ये 1 रुपीज के नोट के बारे में सुना है? ध्यान रहे बेटा 1 रुपी का जो नोट होता है वो आरबीआई इश्यू नहीं करता है। पॉइंट समझे? ठीक है, बट जबकि उसको कौन इश्यू करता है बेटा? फाइनेंस सेक्रेटरी इश्यू करते हैं। बात समझे? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वो इश्यू होता है। पॉइंट समझे सारे बच्चे? ठीक है, सो अगर हम पहले फंक्शन की बात करें बेटा, तो पहला फंक्शन क्या है? RBI has a sole authority for issuing of notes and currency. So, all exclusive rights to issue currency notes in the country, which leads to uniformity in the currency throughout the nation. So, RBI के पास ये sole authority होती है, ठीक है? Plus इसके अलावा बेटा, RBI ना control भी करता है कि market में कितनी supply होनी चाहिए हर एक currency की, ठीक है? And only 1 रुपी का ऐसा note है बेटा जो आरबीआई इश्यू नहीं करता है। यहां तक सारे बच्चे क्लियर?